रोकेगी? नहीं नहीं रोक पाएगी, क्योंकि ऐसा है कि देखिए, एक तो एजुकेशन बढ़ा है, उसके साथ साथ महिलाएं ज्यादा बाहर आने लगी हैं, और आज ये नई पीढ़ी की महिला है। और आपने देखा होगा तो फारूक के बेटे ने फौरन ट्वीट किया, क्योंकि वो भी एक नई पीढ़ी का लड़का है, तो उसको समझ में आता है कि आज की जो जनरेशन है उसकी वैल्यूज क्या है और पुरानी जो जनरेशन है उसकी क्या वैल्यूज है। तो मेरे ख्याल से ऐसी चीजों से कोई महिलाओं की आवाज दबने वाली नहीं है। चलिए, हमारे साथ रुझान भी हैं। रुझान आपके पास भी आएंगे, माफ कीजिएगा, हमारे साथ एक और मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से विधायक हैं डॉक्टर बशीर अहमद जी। बशीर साहब, स्वागत है आपका। आपसे समझना चाहेंगे, आज जो फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा है लड़कियों से डर लगता है, क्या आपको भी डर लगता है और आपकी पार्टी के और किन किन लोगों को लड़कियों से डर लगता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसको उछाला जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महिलाओं के प्रति उनका बहुत ही ज्यादा रिगार्ड करते हैं और हर हमेशा उनकी उन्होंने इज्जत की है। ये बदलते हुए हालात आप जो देख रहे, जो साफ उन्होंने कहा, जो कि हमने अभी कुछ मिनटों पहले टीवी पर प्ले करके भी दिखाया, साफ साफ उनकी लाइन है कि लड़कियों से डर लगता है और मैं कोई महिला पीए नहीं रखूंगा। देखिए, जो इस वक्त जो परिस्थिति बदल रही है समाज के अंदर, जो डॉक्टर फारूक साहब ने, अगर आपको याद होगा, पहले मुख्यमंत्री है पूरे मुल्क में जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन रखी है मेडिकल कॉलेजेस में और बाकी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स वहां पे भी कोशिश की और बहुत ही रिगार्ड रखते। मैं बड़े करीब से जानता हूँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, वो महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा इज्जत रखते, इज्जत करते, लेकिन माफ कीजिएगा, वो इस स्टेटमेंट में वो इज्जत कहीं दिखाई नहीं देती जी। आज जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में आप जो कह रहे हैं महिलाओं के प्रति काफी इज्जत की नजर से देखते हैं, वो दिखाई नहीं दे रही है। चलिए, एक बार दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर बशीर साहब हमारे साथ हैं, एक बार फिर उनसे जुड़ेंगे और समझेंगे कि फारूक अब्दुल्ला के इस बयान का मतलब क्या है। रुझान, आपसे जानना चाहूंगा, फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं और कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी सुनील भी कह रही थी कि एक तरह से धमकी है कि अगर आप आवाज उठाएंगे, क्योंकि अब आवाज उठाई जा रही है बॉसों के खिलाफ, जहां पर भी जाना चुपड़ियन के मामले हैं, पहले से कहीं ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, इसकी वजह यही है कि अब ज्यादा बेखौफ होकर वो अपनी बात को रख पा रही है, क्या इस कोशिश को झटका लगता है और क्या यह स्टेटमेंट एक धमकी के तौर पर है कि महिला पीए नहीं रखी जाएंगी? सी, सबसे पहले तो आई वुड रादर कॉल स्टेटमेंट के चोर कोटवाल को डांटे, और दूसरा आई कुड ऑल्सो रियलाइज उनका जो सब सुना फ्रस्ट्रेशन दिख रहे थे कि भाई जेल में रख दो मर्दों को, ये बस आई मीन उनके इतने जैसे बुजुर्ग आदमी से ये सब स्टेटमेंट अच्छे नहीं लगते सुनने के लिए, लेकिन इसलिए मैं हंस रही थी क्योंकि अब हंसने के से और कोई था, कोई चारा नहीं था मेरे पास। लेकिन जो आप जो बता रहे थे वो धमकी देने की कोशिश कर रही है स्टेटमेंट, पहले भी जो दूसरे नरेश जी ने भी बोले हैं, इससे महिलाओं को जो कोई धमकी नहीं लग रही है, क्योंकि जैसे सोनल जी ने बोला बहुत सही बोला कि वी हैव बेटर अदर जॉब्स टू डू, तो नहीं रखना है तो नहीं रखे। इंपॉर्टेंट एक बात मुझे कहनी थी कि जब ये डाउरी का एक्ट आया या डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट आया, तब यही सब नेता लोग बोल रहे थे कि भाई इससे भी ये होगा वो होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि शादियां कम हो गई या लोगों ने शादी करना बंद कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। सो ये स्टेटमेंट आई वुड रादर से कि इनके फ्रस्ट्रेशन वाला स्टेटमेंट, इनकी इनसिक्योरिटी वाला स्टेटमेंट है। आई वुड रादर से कि ये जो बोलना चाहते हैं वो इसलिए कहना चाहते हैं कि जो आजकल चीजें आ रही है, जैसे बशीर जी ने कहा कि जो चीजें निकल रही है तो उसमें गलत चीजें क्या निकल रही है, सच्चाई निकल रही है कि जो महिलाओं पर शोषण हो रहा है और आज उन्होंने एक हिम्मत की है, थैंक्स टू द सोसाइटी, थैंक्स टू मीडिया एंड थैंक्स टू आई मीन अभी तो मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ को ही थैंक यू कहना चाहिए कि अच्छे इतने लॉज बनाए ताकि महिला को हिम्मत मिले आगे आके बोलने की। और इसका मतलब ये तो 100% है कि अगर ये इतने पढ़े लिखे लोग, अगर आशाराम बापू देखो या तो इतने पढ़े लिखे लोग भी अगर ये पावर प्ले यूज कर रहे हैं, लेडीज का शोषण कर रहे हैं, तो ये तो बहुत एक हमारी खुद की इंडियन इकोनॉमी के लिए खराब। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ डॉक्टर बशीर अहमद साहब फिर से जुड़ गए हैं। बशीर अहमद साहब, इस वक्त आप कुछ कह रहे थे और सवाल मेरा ये था कि आपने कहा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीडिया ने रखा है, फारूक अब्दुल्ला साहब जब माफी मांग रहे हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं मीडिया पर दोष मत दिया, लेकिन साफ साफ जो उन्होंने कहा कुछ देर पहले मैंने प्ले आउट भी किया कि वो कह रहे हैं लड़कियों से डर लगता है और मैं कोई महिला पीए नहीं रखूंगा। हेलो, हाँ बशीर साहब बताइए। मैंने आपको, मैं पहले भी कह रहा था कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ब्लो किया जा रहा है। डॉक्टर फारूक साहब का कहना था कि हालात इस तरह से बन रहे हैं जो आजकल मुल्क के अंदर जो हालात पैदा हुए कि अब डर लगने लगा है, ये तो एक सीधी सी बात थी, ये चेक एंड बैलेंसेस की बात कर रहे थे। आप क्या दोबारा फारूक अब्दुल्ला साहब का वो स्टेटमेंट सुनना चाहेंगे?
मैंने सुन लिया कहीं से भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसको हमने नहीं प्ले किया है, उन्होंने जैसा कहा वैसा इसे प्ले किया क्या है? मैं वही कह रहा हूँ, कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसको ब्लो किया जा रहा है और इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की जा रही। नहीं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने हर हमेशा महिलाओं के प्रति काफी सम्मान किया है और बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत है जहां लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए डॉक्टर फारूक सवाल उनसे पूछा जा रहा था बशीर साहब, एक ही गांगुली को लेकर जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है और वो कह रहे हैं कि महिलाओं से और लड़कियों से डर लगता है, यानी अगर कोई यौन उत्पीड़न का मामला लेकर कोई लड़की सामने आएगी तो आप लड़की से डरेंगे या जिस पर आरोप लगा उससे डरेंगे? नहीं, इसमें तो पूरी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे कई वाकयात हमारे सामने आए जहां पे इसका मिसयूज करने की कोशिश की गई। प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, प्रथम दृष्टया एक एक अंगुली दोषी पाए गए हैं और उनको डर लड़कियों से लग रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। फारूक साहब को लड़कियों से डर क्यों लग रहा है, बात समझ में नहीं आ रही है। नहीं, डर लगने की बात नहीं है। उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का क्लियर था, वो इस मामले में डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं कि अगर कुछ किसी महिला के कोई महिला कहीं पे पुलिस थाने में या कहीं पे कंप्लेन लेके जाएगी तो वहां पे उसका सुनना चाहे। लेकिन डॉक्टर फारूक साहब ने ये कहा, उन्होंने इस तरीके से ऐसे कुछ मामला हमारे सामने आए जहां पे इस चीज को एक्सप्लाइट करने की कोशिश की। एग्जाम्पल दे दो। आपसे समझना चाहेंगे, क्या आपको भी महिला सेक्रेटरी रखने से डर लगता है? अगर आपको लगता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसको ब्लॉक किया जा रहा है तो आप कभी समझना चाहेंगे? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप नहीं मानते हैं कि समाज के अंदर 50% जो मेल और 50% फीमेल लगभग इसके आसपास जो आबादी है, क्या आपको लगता है कि 50% मेल अच्छे हैं या 50% फीमेल अच्छी है? अच्छे बुरे की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ बात ये हो रही है कि यौन उत्पीड़न के मामले पर उनसे सवाल पूछा जाता है और डर उनको उससे लगता है जो आरोप लेकर सामने आया है, जो पीड़ित है उससे डर लगता है। उससे डर लगने की बात नहीं है, डॉक्टर फारूक साहब का कहना था कि ऐसे वाक्यात भी हमारे सामने आए जहां पे इस चीज को कई महिलाओं ने गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की, इन्हें के एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। एग्जाम्पल फारूक साहब का ये कहना था, अब इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किया जा रहा है। बशीर जी, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जेंडर फाइट मत कीजिए, ये लड़का लड़की की, मर्द औरत की फाइट नहीं है, ये अच्छा है बुराई की लड़ाई है प्लीज, क्योंकि अगर ये फाइट, क्योंकि आज तक ये अच्छा इसलिए हुआ है क्योंकि सारे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस आए हैं तो इसमें मर्द भाई लोग खड़े होकर, बहनों के साथ खड़े होकर उन्होंने बहनों के न्याय के लिए लड़ाई और जिसके लिए मुझे पूरी रिस्पेक्ट है, पहली पॉइंट ये। दूसरी, कब से आप बोल रहे हो कि जो केसेस आए क्या तरुण तेजपाल जी का गलत केस है, आशाराम बापू का गलत केस है, जो प्राइमा फेशी अपने जस्टिस का, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का गलत केस है, कौन से केस आप कब से बोल रहे हो कि गलत आए? मैं तो सर आपसे पूछ रही हूँ कि आप एक केस का एग्जाम्पल दे दीजिए हमें कि गलत आया हो, बताइए सर। आपको ऐसा एग्जाम्पल बताइए जहां पर गलत आरोप लेकर महिला सामने आई और किसी बॉस को जबरदस्ती फंसाया, ऐसे कुछ मामले जरूर रहे होंगे, लेकिन उसको नजीर बनाकर हम अपने नियम नहीं बना सकते। देखिए, जनरली जब हम बात करते हैं, जो ने अभी कुछ चीजों का हवाला दिया, हम एक्सेप्ट करते हैं बिल्कुल, वहां पे तहकीकात उनके मामलात में और वहां हम उनके साथ जाती होगी तो इस स्टेटमेंट से तहकीकात होनी चाहिए। पहले फारूक अब्दुल्ला जी ने जो कहा और उसके बाद आप जो कह रहे हैं बशीर साहब, रेफरेंस हुआ था कि कहीं ऐसे भी कहीं कुछ वाकयात हमारे सामने आए जहां पे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, लेकिन जहां तक हमारा या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का व्यू है, पार्टी का व्यू है, हम पूरी तरह से, हम कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है, हमारी पार्टी का स्टैंड रहा है, हम वी बिलीव इन इक्वालिटी इन द जेंडर, वी आर वी डू नॉट बिलीव इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बशीर साहब, पहले फारूक अब्दुल्ला जी ने जो कहा और अब आप जो ये कह रहे हैं कि ऐसे भी कुछ मामले हैं सही और गलत की आप जो बात करें महिलाओं की, दोनों बातों से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप ये मानकर बैठे हैं या फिर ये कहा जा सकता है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा उम्मीद सुरक्षा को लेकर आपसे या फारूक अब्दुल्ला साहब से नहीं करनी होगी, क्योंकि आप ये मानकर बैठे हैं कि इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है। देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूं, हम ये नहीं कह रहे, तो आप कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, तो बातों में बात चली, जब आपने उनसे पूछा या कहीं पर बात चलती है, क्या
समाज के अंदर 100% लोग सही नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कंपल्शन या कहीं ना कहीं एक्सप्लाइटेशन या मिसयूज के भी साक्षात रहते हैं। हजार दो हजार में अगर एक गलत केस आया तो बाकी सबको भी न्याय ना मिले, और इसके लिए ये है कि सारी महिला सेक्रेटरी रखना बंद कर दे, ये आपका तरीका है कानून का और इंसाफ का? हेलो जी बशीर साहब, आप यानी ये कह रहे हैं अगर बहुत मामूली सा परसेंटेज वो है भी जहां पर गलत